दोस्तों, मैं हूं कासिम और अभी मेरे पीछे जो आप घर देख रहे हैं वो है हेमा मालिनी जी का घर। और दोस्तों, धर्मेंद्र जी का भी घर पीछे ही है, वो भी मैं आपको अभी दिखाऊं। दोस्तों, ये जो आप सामने घर देख रहे हैं वो हमारी फिल्म इंडस्ट्री की ड्रीम गर्ल यानी कि हेमा मालिनी जी का घर है, जो कि पड़ता है जुहू के रोड नंबर 12 पर। और धर्मेंद्र जी का भी घर पीछे रोड नंबर 11 में है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा आगे। जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, कई सारे फैन भी जो है उनके घर की तस्वीरें ले रहे हैं। खुदा शुक्र तेरा, खुदा शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, शुक्र तेरा, ये मेरा यार चला बांध के सर पर तेरा। मैं अलका बलबन तेरा वकील मुकरर हुआ हूँ, मेरे हमरा काजीउल कुज्जात तेरा इकरार अक्त लेने हाजिर हुए हैं। तुझे ये अक्त कबूल है? कबूल है। मैं आपने एक ड्राइवर का रोल किया, तब ये बात सही है कि आपको स्टोरी नहीं पता थी, आप खाली डायरेक्टर के कहने पे आप चले गए? नहीं, स्टोरी थोड़ी ऋषिदा क्या है, आउटलाइन सुना देते थे जी और हमें पता चल जाता है क्या होगा इसमें सर जी। लेकिन एक कहानी उन्होंने मुझे सुनाई थी आनंद। अच्छा जी। फ्लाइट में जाते बंगलौर से आते आते ये कर रहे हैं धर्म, ये करेंगे वो करेंगे, पता लगाओ शुरू हो गई। अच्छा जी। राजेश के साथ जी, तो मैं तो फिर थोड़ी टिकाता हूँ ना। तो सारी रात मैं ऋषिदा को सोने नहीं दिया। हाँ, धर्म सो जा, धर्म सो जा, मैंने रोल ले रहा सी दूसरे। कहानी मैंने सुनाई सी, ऐ कितने गया ऋषिदा? वो फिर बंद करे फोन, आधे घंटे ट्र, वो सो जा धर्म सो जा प्लीज। मैं नहीं, मेरी मेरा पिक्चर उन्होंने क्यों देती? लेकिन मैं डबिंग, हमारे वक्त तो लूप था ना, वो चलता था ऐसे ऐसे, हम देखते थे आगे आगे आगे, वो फिर निकल जाता था ऐसे, डायलॉग पकड़े उधर ये, तो मैंने अपनी कमीज फाड़ ली थी डबिंग करते करते। जय डबिंग भी करनी पड़ी, पहले एक्टिंग करो फिर डबिंग करो, डबिंग इज वेरी डिफिकल्ट, मोस्ट डिफिकल्ट। अभी दिलीप साहब हमारे बहुत आहिस्ता बोलने वाले हैं, तो महबूब स्टूडियो में शूटिंग कर रहा था, उनकी भी चल रही थी। अच्छा जी। तो डिक्रूज करके हमारे साउंड रिकॉर्डर से वो आया कि दिलीप यूसुफ जरा बाहर आ यार, बाहर आइए जरा, क्यों? कहता यार केबल पकड़ उधर से झाड़ना इसको। बोले क्यों, इसमें आवाज नहीं, कहता आपकी है आगे। हेमा जी, कई बार जब मान लीजिए थोड़ी सी देर हो गई शूटिंग में, तो धर्म जी कहते थे यार मैं इधर ही सो जाता हूँ, और वो दरअसल वो किसी एक कुटिया में जा करके रात भर वहीं रह जाते थे, और कहते थे यार बाहर बड़ा खुला आसमान है, अच्छा है, वहीं पड़े रहते थे, और धर्म जी और मैं तो एक ही गाड़ी में जाते थे, एक ही गाड़ी में वापस भी आते थे। और भाई साहब, एक बार बेंगलोर में जो सबसे भीड़ भाड़ वाली जगह है उधर से गाड़ी जानी थी, वो गाड़ी हो गई खराब, और 3-4 हज़ार आदमी आ गए धर्म जी को देखने, और एकदम घेर लिया। हमने कहा यार क्या किया धर्म जी, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, तो चल मेरे साथ चल। तो हम लोग ऐसे दोनों बाहर निकले, और बगल में एक ऑटो जा रहा था, दोनों उसमें घुस गए और ऑटो पे गए हम लोग रामगढ़, इतनी दूर। तब बड़ा मजा आया उसमें। धर्म जी बहुत ऐसा करते हैं, ऐसे करते रहते हैं, आपको भी कभी लेगा है क्या हेमा जी? राजा जयपुर में ऐसा हुआ। हाँ। ट्रेन क्रॉसिंग था, लेवल क्रॉसिंग। हाँ हाँ। तो उसके लिए वेट नहीं करने गया था, तो वो एक आदमी साइकिल में जा रहा था, साइकिल ले लिया, साइकिल ले लिया, बोला मुझे आओ बैठो। सी वी बहुत शॉर्ट एंड वेंट देयर, यू नो। क्या बात है। ए कंप्यूटर जी, अरे वीरू भाई साहब से बात कराओ हमारी। ये आ गए वीरू भाई साहब, पाजी प्रणाम करता हूँ आपको, और हम लोग सब यहाँ आए हुए हैं। कैसे हो जय? मैं बस आपके बिना यहाँ पर बहुत वीरान महसूस कर रहा था, तो हमने कहा बात हो जाए एक बार तो अच्छा रहेगा। आप लोगों को प्यार देने के लिए आया हूँ, काश मैं भी होता वहाँ, लेकिन हम दिलों में तो रहते हैं ना एक दूसरे को। चाहे ये जो टीम है हमारी, ये तो अमर है, ये हम लोग हमेशा याद रखेंगे। याद है मैं
28 मील पैदल चला गया था लोकेशन 28 मील पैदल, उसकी वजह थी कुछ अपने आप को ठीक करना था मैंने। और आप सब ढूंढ रहे थे मुझे, अरे धर्मेंद्र कहाँ गए कहाँ गए। सुबह मेरे साथ जाए, मेरे साथ जाता था गाड़ी में, वो भी परेशान, सब परेशान थे। तो वहां आके देखा तो मैं वहां लेटा हुआ था, याद है रमेश जी? बिल्कुल याद है, अभी बोल रहे थे। बड़ा मजा आया, वो तो जी चाहता फिर से इसी फिल्म को बना किसी तरह बनाना चाहिए जी, सेकंड पार्ट बनाइए।